शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अभी जो श्रद्धा के साथ थी वो कहाँ चली गई? कछुआ लेती घर चले। मुझसे राज रखोगी तुम? अब मैं तुम्हें घर पहुंचने ही नहीं दूंगी। हेलो, एक पता मैसेज कर रही हूं, वहीं मिलना मुझे, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अभय, तुम ना हमें रोज परेशान कर रहे हो, तुम आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से देवी श्रद्धा घर छोड़ के चली जाती हैं, और तुम काहे उनके पीछे पड़े रहते हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो देवी है। देवी, ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। अरे आप लोग बिना कुछ जाने अभी भी इल्जाम लगाए जा रहे? अरे इसने कुछ नहीं किया। अरे अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया है? किसकी वजह से देवी श्रद्धा नाराज होकर घर छोड़कर चली गई, बताइए। अभय भैया ने ना देवी श्रद्धा से जो इतनी बहस की थी, शायद उसी वजह से वो नाराज होकर घर से कहीं चली गई है। ऊपर से आंख दिखाकर बात करता है बेशरम। देवी के आगे हाथ जोड़कर सर झुका के आदर के साथ बात करनी होती है, लेकिन नहीं, आपकी अकड़ का तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। अरे कोई बात नहीं है, हम अभय की तरफ से देवी श्रद्धा से माफी मांगेंगे, अगर देवी के पैरों पे गिरना भी पड़े तो हम वो भी करेंगे। नहीं, ये अभय पे ना सारे लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हमें लगता है रोशनी ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि दीदू के साथ साथ रोशनी भी तो गायब है। रानी, श्रद्धा कहाँ है मैं नहीं जानता, ना मुझे कोई रास्ता मिल रहा है उसे घर वापस लाने का। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, मुझे मेरी श्रद्धा वापस लौटा दीजिए। समान कलेवर रक्तांबर राजे राजे रक्तांबर रक्त पुष्प गरमाला कत्तल पर साजे। वो रही श्रद्धा, इससे पहले ये घर लौटे इसकी सांसें बंद हो जानी चाहिए। ये घर पर सिर्फ इसकी खबर पहुंचे, ये नहीं। चलो बेटा, आप पीछे जाओ। बहुत देवी बनती थी ना मेरे सामने, अब दिखाओ अपना देवी रूप। देखो मेरी तुम लोगों में से किसी से भी दुश्मनी नहीं है कोई, मैं कह रही हूँ पीछे हटो। अब वो हम लोग पहुंच के पता चलेगा कौन है तुम्हारा दुश्मन।
पियो मृग मधु को मल से दो चंद्र बदरी को देखा श्रद्धा मुझसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा सिर्फ मौत है जब तक मैं अपनी आंखों से तुम्हें मरता हुआ नहीं देखूंगी ना तब तक मैं रुकूंगी नहीं आ गई इसमें एक मामूली इंसान इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है मुझे हाथ लगाने की कैसे किया मैंने इन गुंडों को अकेले ही कैसे कैसे मार गिराया मैंने हनुमान नहीं मानेगा अभय आज जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाता हार नहीं मानेगा मेरा भाई
देवी श्रद्धा, आपने हमें माफ कर दिया, आप वापस आ गए। भगवान का शुक्र है, दीदू सही सलामत लौट आए। अरे आप सबने अब तक देवी के लिए भोग नहीं बनाया, दादी मुझे भी तो आपके हाथ के लड्डू खाने हैं। अरे हाँ हाँ, हम भोग भी बनाएंगे और आपके लिए बहुत सारा बनाएंगे। अंती अंती, मैंने रसोई में लड्डू देखे थे, तो उससे उतारने में मदद करो। अच्छा ठीक है चलो। अरे श्रद्धा, तेरी श्रद्धा मेरे पास वापस आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम थी कहाँ? अरे अबे ये क्या बोल रहे हो, दीदू तो हमेशा से यही थी हम सबके पास। नहीं, वो मेरी श्रद्धा नहीं थी, वो कोई और थी, शायद सचमुच की देवी। मेरी श्रद्धा ये है। मैं आप ही की श्रद्धा हूं और हमेशा आप ही की रहूंगी, एक साथ हमेशा आपके पास। माता रानी, आपने जो मुझे ये जीवन दान दिया है, मैं उसके लिए आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके दिए गए इस आशीर्वाद को मैं अपनी शक्ति बनाऊंगी और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी और बुराई का अंत होगा, जल्द होगा। अन्याय को हराना है, दुश्मनों को समझाना है, मनुष्य को सही मार्ग पर लाने का समय आ चुका है। क्या 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 चाहिए तुम्हें, क्यों आई हो यहाँ पे? क्या है ना रोशनी, मेरी ना तुमसे थोड़ी बातचीत करने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं आ गई। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने उन गुंडों को कैसे मारा? कौन दे रहा तुम्हारा साथ? हाँ, क्योंकि आम इंसान अकेले तो ये सब नहीं कर सकता। रोशनी तुम भूल गई हो क्या, तुम्ही ने तो मुझे देवी श्रद्धा बनाया था। देवी श्रद्धा की जय, देवी श्रद्धा की जय।
पूरी दुनिया के सामने तुम्ही ने तो ये साबित किया है ना, तो तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें झूठ मूठ का देवी बनाया था, कोई सचमुच की देवी नहीं हो तुम। सच सच बताओ, क्योंकि आज तो तुम बच गई, लेकिन बार बार बचोगी ये जरूरी नहीं। रोशनी, तुम ना अपनी सारी ताकत चिल्लाने में ही निकाल दोगी। आओ ना, तुम इधर बैठो और खाना खाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है। अब क्या देवी के आदेश का उल्लंघन करोगी तुम? चुपचाप खाना खाओ। खाना अच्छा था ना? चलो, अब जब तुमने खाना खा ही लिया है तो मैं तुमसे एक सवाल करूंगी। बताओ ना रोशनी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या मतलब? मतलब ये जो तुमने अभी खाना खाया है ना, इसमें मैंने वही केमिकल मिलाया है जो उस दिन तुमने अभय के खाने में मिलाया था। याद है तुम्हें? हाँ, अभय के मुंह से खून निकल रहा था, उन्हें खून की उल्टियां हो रही थी, तुम्हें भी कुछ वैसा महसूस हो रहा है क्या? इसमें वही केमिकल है। तुमने मुझे जहर दे दिया। जहर? रोशनी, भला तुम अभय को कैसे जहर दे सकती थी? तुम ऐसा अभय के साथ नहीं कर सकती थी। और तुम इतना डर क्यों रही हो, इतना घबरा क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, इसे ठीक करने की दवाई ना मेरे पास है, जो मैंने अपने कमरे में बिल्कुल संभाल के रखी है। रोशनी, कहाँ जा रही हो? अरे अभी थोड़ा सांस तो फूलने दो। हाँ, थोड़ा दम घुटने दो, मुंह से खून तो आने दो। प्लीज प्लीज अदा, मुझे जाने दो, वरना मैं मर जाऊंगी अगर मैंने दवाई नहीं ली तो। नहीं रोशनी, कुछ नहीं होगा, अभय से इतना प्यार करती हो, उस वक्त उन्हें कैसा लगा होगा, क्या महसूस हुआ होगा, वो दर्द तुम भी तो अब महसूस करो ना रोशनी। हाँ, मैं अभय से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस उसे तुमसे दूर करना चाहती थी और कुछ नहीं। श्रद्धा प्लीज जाने दो ना, श्रद्धा मैं मर जाऊंगी, प्लीज छोड़ो। कैसे मर जाओगी तुम रोशनी? प्लीज जाने दो, श्रद्धा छोड़ो। जल्द से जल्द दवा खानी होगी। मुझे जल्द से जल्द वो दवाई ढूंढनी होगी, वरना वरना मेरी मेरी सांस फूलेगी और फिर खून की उल्टियां। कहाँ रखी है उसने वो दवा? कहीं ऐसा तो नहीं श्रद्धा ने मुझसे झूठ बोला? वो दवा यहाँ नहीं है तो और कहाँ होगी? सही कहा, दवा नहीं मिलेगी। मुझे चूहों के साथ कमरे में बंद कर दिया था ना, मैंने वो दवा उनको खिला दी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ,
किसी दिन तुम्हारा ये गुस्सा ही ना तुम्हारी जान ले लेगा। कोई जहर नहीं, और वैसे भी खाने में मैंने जहर मिलाया ही नहीं था। झूठ बोला तुमने मुझसे? जिस इंसान की फितरत ही झूठ फरेब और धोखे से भरी हो वो मुझसे सवाल करने की हिम्मत भी कैसे कर रही है? मैं बताऊं रोशनी, याद दिलाऊं तुम्हें मेरे साथ क्या क्या किया है तुमने? यही डर जो तुम्हारी आंखों में इस वक्त दिख रहा है ना, वो तुम्हारे हार का कारण बनेगी रोशनी। और मैं नहीं, तुम्हें तुम्हारा डर ही हराएगा। देवी श्रद्धा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने जो कुछ भी किया है ना, मैं कभी वापस ऐसा नहीं करूंगी। यही मौका है तुम्हारे पास रोशनी, सबको सच सच बता दो कि मैं कोई देवी नहीं हूं, बल्कि तुमने सबके सामने मुझे जबरदस्ती देवी बनाया है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।